सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में गाइस आपको अपने कैसे ब्लूटूथ से पेयर करना है अपना नेक बैंड है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, आपको अपने सैमसंग वाले फ़ोन में नेक बैंड को पेयर करने के लिए ब्लूटूथ से आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सेटिंग पे ओपन करने के बाद गाइज आपको सबसे ऊपर दिखेगा कनेक्शन वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते गाइज आप अगर यहाँ पे आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो फ्रेंड्स आपको इस आइकन पे ऑन ऑन कर देना है अपना ब्लूटूथ, और फ्रेंड्स आपको बीच में टाइप करना है। तो जैसे भी आप बीच पे टाइप करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अभी दिखेंगे आपका ब्लूटूथ जो है ऑन है, और फ्रेंड्स आपको कई सारे ब्लूटूथ के कनेक्शन के आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने अपने नेक बैंड का कनेक्शन भी दिख जाएगा, जो भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। तो मेरे तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है कि U1CL20 मेरे नेक बैंड का कनेक्शन है ब्लूटूथ का। तो फ्रेंड्स आपको पेयर करने के लिए बीच में क्लिक करना है। जैसे भी आप बीच पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा कनेक्टेड, मतलब आप इसको पेयर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सैमसंग वाले फ़ोन में अपना पेयर कर देना है ब्लूटूथ, वो भी नेक बैंड के साथ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।